हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपां बनावांगे जी शिमला मिर्च ते भरमे करेले। हुण आपां स्टार्ट करदे हां रेसिपी। ये देखो जी, शिमला मिर्च ते करेले आपां ने धो के ना चंगी तरह इन्हां नूं सुखा लिया। अद्धा किलो करेले ने ते अद्धा किलो ही शिमला मिर्च है, क्योंकि ये बहुत दिन खराब नहीं हुंदे हैगे। आपां इन्हां नूं छिल के ते आपां नूं कट के दिखांदे वी किवें आपां ने कट्टणा इन्हां नूं। सब तो पहलां करेले नूं आपां ने उपर तों हर इहदे डंडी वाले पार तों कट लेना। फिर आपां इसदे विच कट ला दांगे। जे तुसीं उपर तों छिलणा चाहुंदे आ तां इहनूं छिल वी सकदे आ, पर मैं इहनूं बिना छिले ही बणाऊंगी। विच तों आपां ने बीज सारे इहदे कढ देणे आ। चंगी तरहां आपां ने इहनूं साफ कर देणा। इस दे विच आपां ने फिर फीलिंग भरनी है प्याजां दी। ये देखो जी, इसे तरह आपां सारे करेले तैयार कर लांगे। ते हुण आपां तुहानूं शिमला मिर्च भी दिखा दिंदे हां किवें कट्टणी है। ये भी आपां भर के ही बनावांगे शिमला मिर्च। एक होल कर लिया। देखो इस दे विच जिहड़े बीज वगैरह हुंदे आ आपां ने सारे कट देने है। ये देखो जी, शिमला मिर्च भी आपां इसे तरह तैयार कर लेनी है सारियां, ते करेले भी। हुण एक साइड आपां पहलां तेल गर्म होण लई रख दिंदे हां। सरों दा तेल लिया आपां ने। इन्नी देर तेल गर्म होगा इन्नी देर आपां मसाला इहदा बना लैंदे हां। प्याज छिले हुए हैं, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च ते अपने इधर शिमला मिर्च ते करेले भी तैयार हो चुके हैं सारे छिल के। तेल आपां ने ऐन रझा के इहनूं हल्का जिहा ठंडा कर लिया। ते हुण आपां इसदे विच करेले पा दांगे। करेलियां नूं आपां चंगी तरहां इहदे विच भुन लांगे, इहनां दी कड़कण खतम हो जूगी। हल्की हल्की हत्थां नाल आपां इहनूं हिलाई जावांगे, चारे पासे तों इह भुन जाण आपणे करेले। ये देखो जी, ब्राउन हो चुके हैं। ज़्यादा भी नहीं आपां इन्हां नूं रड़ना है। अगर ज़्यादा रड़ जाते ना फिर ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। ये देखो बस इन्ने क रड़ने आपां ने। करेलियां नूं आपां तेल तों बाहर कढ लैंदे हैं। ते इस तों बाद आपां शिमला मिर्च भुन्नांगे। करेले निकल गए जी तेल तो बाहर सारे। ते हुण आपां इहदे विच शिमला मिर्च पा दिंदे हां। इसे तरह आपां शिमला मिर्च नूं भी भुल्लांगे चारे पासे तों। शिमला मिर्च भी देखो जी अपनी एन चंगी तरह भुन चुकी है। ऑयल सारा कढ देना आपां ने इस दे विच तों, ते इहनूं कढ लैंदे आं बाहर। ये थोड़ा जहा साइज़ बड़ा सीधा शिमला मिर्च का, थोड़ी जी आपां इहनूं होर भुन लई एक दो मिनट, नहीं तां ये ज़्यादा वड्डी है कच्ची ना रह जाए।
करेले ते शिमला मिर्च अपनी तैयार हो चुकी है जी। हुण आपां मसाला तैयार करते हैं। जिहड़ा फालतू तेल सीगा आपां ने कढ लिया ते थोड़ा जिहा तेल रखिया आपां ने इस दे विच। ते सब तो पहलां आपां इस दे विच पावांगे जीरा। जीरा पाता जी आपां ने विच। हुण थोड़ा जिहा आपां साबत धनिया पाता। ये बिल्कुल हल्की जी आपां ने हिंग पाई है ते हुण आपां थोड़ा जिहा इहनां नूं भुन लांगे। ਇਹ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਲੇਵਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਇਹ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। क्योंकि अपने करेले ते शिमला मिर्च ज़्यादा सीगे इसलिए अपने ज़्यादा बनाया है, फीलिंग ज़्यादा तैयार की हुई है। इन थोड़ा जहा टाइम लगेगा। एक बार तुसी करेलियां ते मेहनत करके इनू कई दिन लई फ्रिज विच रख सकते हैं ते बहुत स्वाद लगते हैं भरमा करेले ते शिमला मिर्च। ये देखो जी अपना ये 10-12 मिनट लगे अपने इनू भुनण लई। अपना प्याज वगैरह भुन चुके हैं। हुण आपां इस दे विच जिहड़े होर मसाले पाने वो पावांगे। सब तो पहला इस दे विच आपां स्वाद अनुसार नमक पा लांगे। उस तो बाद हल्दी, हल्दी तो बाद आपां ने धनिया पाउडर पाता। थोड़ी जी देगी मिर्च पावांगे क्योंकि कलर वधिया बन जांदा है। ते सुकी मेथी। हुण आपां इसनूं चंगी तरह मिक्स कर लैंदे हैं ते 1-2 मिनट इहनूं भुन लांगे। ये सारी चीज़ां तुसीं अपने स्वाद अनुसार पा सकते हैं, जिवें तुसीं नॉर्मल अपनी सब्जी विच पाउंदे हैं उन्ना टेस्ट तुसीं अपना बनाओ। दस बारह मिनट आपां नूं लगे सी कि प्याज भुनण लई। पूरा तो आप नहीं दिखा पाते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ये देखो जी अपना मसाले भुन चुके हैं। हुण आपां इस दे विच टमाटर ते हरी मिर्चां दा पेस्ट पा देंगे। पेस्ट नहीं, वह भी आपां ने चॉप ही करके रखी हुई है। हुण आपां फिर इहनूं 5-7 मिनट लई भुन देंगे। मसाले ऐं चंगी तरह भुन जाण। देखो मसाला अपना हो गया जी, क्योंकि कढ़ाही तो इन्हें ऑयल छड़ना स्टार्ट करता। हुण आपां इस दे विच गर्म मसाला पाता। ते जिहड़ा धनिया आपां ने कट के रखिया होया ये पाता जी आपां ने इस दे विच। ते दोए चीज़ां नूं आपां मिक्स कर देंगे सारे मसाले विच। मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
मसाला तैयार है जी। तो हम आप ना फिलिंग करते हैं जेडे अपने करेला तो शिमला मिर्च भुन के रखे हुए हैं उन्होंने फिलिंग भर दें। आप देखो मसाला वधिया तरीके अपना भुन के तैयार होया हो जी। तो अपने करेला लिया तो इस चंगी तरह फिलिंग भर देंगे। घट ज़्यादा तुम अपने मनपसंद भर सकते हैं जिनी भी तुम खाना पसंद करते हैं। इस तरह आप शिमला मिर्च न भर लाँगे। चंगी तरह आप शिमला मिर्च भी एन फीलिंग नाल कर देंगे इनू पूरी भर देंगे। अपने करेले ते शिमला मिर्च खाने लई तैयार हैं जी। देखो वो देखने ची वधिया लग रहे हैं ते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने सीगे। अगर थोनू मेरी ये रेसिपी चंगी लगे तो मेरी वीडियो नू शेयर जरूर कराया करो जी, लाइक कराया करो, चैनल नू सब्सक्राइब कराया करो। सारयां नू जी सत श्री अकाल।